हम देख रहे थे भारत की नदियां, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का अध्ययन कर लिया, जिसमें हमने देखा सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसके अंतर्गत हमने इसका जो पहला भाग देखिए, मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है अध्ययन की सुविधा के लिए, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो हमने पिछले वीडियो में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन किया, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो शुरू करते हैं, हम टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बोर्ड पे नजर डाल लेते हैं कि मैंने यहाँ क्या नक्शा बनाया है। तो यहाँ मैंने जो नक्शा तैयार किया है ये है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत जिसको कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये खंबात की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। नदियां कौन कौन सी बनाई है उसको हम देख लेते हैं। पहली नदी मैंने बनाई है लूनी नदी, ये यहां से निकल रही है लूनी नदी। उसके बाद है साबरमती नदी, फिर माही नदी, अगली है नर्मदा नदी, फिर है तापी नदी, फिर मांडवी और जुआरी नदी, फिर उसके बाद सरावती नदी और पेरियार नदी। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम हुआ है अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान। तो राजस्थान के अरावली पर्वत से लूनी नदी का उद्गम हुआ है। और ये जो लूनी नदी है राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। राजस्थान रेगिस्तान वाला इलाका है, वही ये गुजरात के कच्छ के रण में प्रवाहित होती है, कच्छ के रण में प्रवाहित होती है गुजरात के। और लूनी नदी के विषय में एक विशेष बात याद रखेंगे कि लूनी नदी समुद्र तट तक पहुंच नहीं पाती है, मतलब कि इसमें जो है जल की कमी है और ये जो रण क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, तो इस कारण से जो है लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, मतलब कि ये जो है समुद्र तट तक पहुंच नहीं पाती है। तो याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकली, फिर उसके बाद गुजरात के कच्छ के रण में प्रवाहित होती है और वहीं कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, मतलब कि ये जो है समुद्र तट में तक नहीं पहुंच पाती है। अगली नदी हम देखते हैं साबरमती नदी। देखिए साबरमती नदी मैंने ये बनाया है, साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम हुआ है राजस्थान के उदयपुर। राजस्थान का एक जिला है उदयपुर, वहां एक स्थान है मेवाड़, महाराणा प्रताप वाला मेवाड़, तो वहां से साबरमती नदी का उद्गम हुआ है। साबरमती नदी राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में प्रवाहित होती है। देखिए ये है साबरमती नदी। साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये जो है खाड़ी, ये जो है खंबात की खाड़ी है, मैंने लिखा है खंबात की खाड़ी। साबरमती नदी के तट पर गुजरात राज्य के दो नगर स्थित हैं, एक अहमदाबाद और दूसरा गांधीनगर। याद रखेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य में है, ये जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। इसके बाद अगली नदी हम देखते हैं माही नदी। यह है माही नदी, इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है माही नदी। माही नदी का उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य के विंध्याचल पर्वत से। ये विंध्याचल पर्वत गुजरात से लेकर के फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो कि बिहार तक गई है विंध्याचल पर्वत, तो विंध्य पर्वत से माही नदी का उद्गम हुआ है। माही नदी तीन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। राजस्थान में जो है ये थोड़ा सा प्रवाहित होती है, उसके बाद गुजरात, फिर जो है ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी के संबंध में एक विशेष तथ्य याद रखिएगा कि माही नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है। देखिए कर्क रेखा जो कि लगभग ऐसे कुछ गई हुई है, कर्क रेखा 23.5 अक्षांश जो हमारे भारत से होकर के गुजरती है, जो कि पूरा इस तरफ से है कर्क रेखा, मैं यहां लिख देता हूं कर्क, कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो माही नदी इस कर्क रेखा को दो बार काटती है। देखिए माही नदी का प्रवाह कैसा है, इस तरह से पहले वो उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके फिर दक्षिण की ओर आ गई है। तो इस प्रकार से जो है माही नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है। याद रखेंगे कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो कौन है वो? माही नदी। अगली नदी हम देखते हैं नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी ये मैंने बनाया है, नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, अमरकंटक जो है कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। अमरकंटक याद रखेंगे, यहां से निकलती है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ये जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद थोड़ी सी जो है ये महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है, उसके बाद जो है आगे गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है, फिर आगे चल करके ये भी जो है खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी तीन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, एक तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, अगली गुजरात, तीन राज्यों से, और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। देखिए ऊपर में विंध्याचल पर्वत है, नीचे में सतपुड़ा पर्वत है, तो इन दोनों के बीच में ये प्रवाहित होती है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर प्रवाहित होती है उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। याद रखेंगे ये नाम भ्रंश घाटी, जिसको कि अंग्रेजी में रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होता है, देखिए जब दो भूखंड, मान लीजिए ये कोई भूखंड है, मतलब कि कोई चट्टान है, मान लीजिए कोई भूखंड है, तो ये जो है इसको दो भाग हम कर देते हैं, तो इसका जो है दूसरा भाग, दोनों में से मतलब कोई भी भाग नीचे की ओर चला जाए, मतलब कि ये जो है ये नीचे की तरफ आ जाए, ऐसे ये मतलब ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, या फिर ये वाला भाग जो है ऊपर की ओर चला जाए, या फिर ये ऊपर की तरफ चला जाए, मतलब कि दोनों भाग में से कोई भी ऊपर नीचे हो जाए, या थोड़ा सा जो है एक दूसरे के विपरीत चला जाए, तो उस प्रकार से जो घाटी निर्मित होती है उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा जो है आगे हम देखेंगे तापी नदी, तापी नदी भी जो है ऐसे ही भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के संबंध में एक विशेष तथ्य याद रखेंगे कि जो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी नदियां हैं, बड़ी नदियां विशेष करके, वो पूर्व की ओर बहती है, जबकि ये जो नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसका जो ढाल है पूर्व की तरफ है, मतलब कि पश्चिम की तरफ जो है ये जो पश्चिम वाला भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय भारत का, ये वाला अधिक ऊंचा है, और उस तरफ जो है पूर्व की तरफ, उस तरफ जो है ढाल है, तो इस कारण से जो है प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, जबकि नर्मदा और दूसरी तापी, इसको भी मैं यही बता देता हूं, तो नर्मदा और तापी दोनों नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है, मतलब कि देखिए ढाल इस तरफ है, इस तरफ ऐसा नीचा है, तो जिधर ढाल होगा नदी उधर ही प्रवाहित होगी, लेकिन नर्मदा और तापी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत के ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों है, इसी भ्रंश घाटी के चलते, इस भ्रंश घाटी के चलते नर्मदा और तापी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, इनके जो भ्रंश घाटी का ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, इस कारण से ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखेंगे इस चीज को, मैंने बताया कि नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो खंभात की खाड़ी में जहां ये जल गिराती है उसी के निकट भरूच शहर है, गुजरात का एक नगर है भरूच, भरूच अथवा भड़ोच, तो ये किसके तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है भरूच अथवा भड़ोच, इसी के पास जो है नर्मदा नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा नदी के संबंध में एक चीज याद रखेंगे कि नर्मदा नदी जब खंभात की खाड़ी में गिरती है, मतलब कि अरब सागर में जब गिरती है, तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी याद रखेंगे, एस्चुरी, जितनी भी नदियां हैं, मतलब कि जो नदियां अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा न बना करके एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है, ये जो है सीधे अपना जल जो है अरब मतलब सागर में मिला देती है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, और नर्मदा नदी जो है भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश राज्य का जबलपुर नगर स्थित है, तो दो नगर हो गए, नर्मदा नदी के तट पर भरूच और जबलपुर। नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है जो कि कभी कभी पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर के निकट स्थित है, भेड़ाघाट नामक एक स्थान है जबलपुर के निकट, भेड़ाघाट याद रखेंगे, तो यहां एक जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, उसका नाम है कपिल धारा, कपिल धारा, जिसको कि धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, कपिल धारा जलप्रपात अथवा धुआंधार जलप्रपात, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे किस नदी पर है, कहां पर स्थित है ये पूछा जाता है।
तो नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात है, जिसको कि कपिल धारा के नाम से भी जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात अथवा कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की लंबाई याद रखेंगे 1312 किलोमीटर, जो कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है, अथवा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, अथवा फिर कह लो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। अब अगली नदी हम देखते हैं तापी नदी। तापी नदी ये है, तापी नदी। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिला के महादेव पहाड़ी से हुआ है। मतलब यहाँ कहीं है बैतूल जिला, बैतूल जिला में महादेव पहाड़ी से तापी नदी का उद्गम हुआ है। तापी नदी तीन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, एक तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अगली गुजरात। तो तीन राज्यों से प्रवाहित होती है। देखिए गुजरात जो है यहां तक है, यहां जो पतला सा आता है गुजरात का क्षेत्र, तो तीन राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तापी नदी गुजरात राज्य के सूरत नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। सूरत जो कि गुजरात का एक नगर है, तो सूरत के पास जो है तापी नदी अरब सागर से मिल जाती है। तापी नदी भी नर्मदा नदी के समान ही एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखेंगे ये दोनों नदियों के संबंध में कि दोनों नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार से तापी नदी भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका प्रवाह कैसा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि इसका जो भ्रंश घाटी का ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ से लगभग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मतलब स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी नदी प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा नदी और तापी नदी के मध्य में स्थित है। देखिए ऊपर में नर्मदा नदी, फिर उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर तापी नदी। अगर हम यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी को भी ले लें, तो देखिए ऊपर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर तापी नदी। इनका क्रम भी याद रखिए, अगर कभी पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण तो आपको बन जाएगा। अगली नदी हम देखते हैं मांडवी और ज्वारी नदी, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो ये जो मांडवी और ज्वारी नदी ये गोवा में स्थित है। गोवा यहाँ है, गोवा तो गोवा में है मांडवी और ज्वारी नदी। अच्छा यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जितनी भी नदियां हैं ये जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है, उसके बाद जो है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का तटवर्ती क्षेत्र। तो महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र में कोई भी मतलब प्रमुख नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। हालांकि छोटी छोटी नदियां गिरती होंगी, लेकिन वो जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो महाराष्ट्र से आपको कुछ याद नहीं रखना है, सीधे जो है आपको गोवा याद रखना है। गोवा में मांडवी और जुवारी नदी, दो नदियां मांडवी और जुवारी नदी। और इन चार नदियों के संबंध में एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो चारों नदियां हैं अपना जल कहाँ गिराती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में, वैसे तो ये पूरा अरब सागर है, लेकिन अगर इसको जो अलग अलग नाम दे दिया जाए तो उस हिसाब से, जैसे कि ये जो है कच्छ की खाड़ी है, तो वैसे ही ये खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में चार नदियां अपना जल गिराती है, एक तो साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, चार नदियां। उसके बाद सीधा आपको देखना है मांडवी और जुवारी नदी गोवा में है। उसके बाद अगली नदी देखिए सरावती नदी। सरावती नदी जो कि कर्नाटक में प्रवाहित होती है, इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट पर्वत जो सह्याद्री पर्वत श्रेणी है उसमें से। ठीक उसी प्रकार से जो है मांडवी और जुवारी नदी का भी जो उद्गम हुआ है सह्याद्री पर्वत से, जो पश्चिमी घाट है ना जिसमें सह्याद्री पर्वत श्रेणी स्थित है, तो उसमें इनका उद्गम स्थल है। बाकी किस स्थान से निकली है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो कि पूरा जो महाराष्ट्र कर्नाटक तक विस्तृत है। सरावती नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, जिसको कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसको कि जोग जलप्रपात अथवा गरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोग अथवा गरसप्पा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके अलावा जो है इसका क्या क्या नाम है? जोग जलप्रपात अथवा गरसप्पा जलप्रपात। कहां स्थित है? तो सरावती नदी में। और सरावती नदी कहां प्रवाहित होती है? कर्नाटक राज्य में। उसके बाद अगली नदी हम देखते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी जो कि केरल राज्य में प्रवाहित होती है, इसका उद्गम हुआ है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में। देखिए अन्नामलाई पर्वत श्रेणी जो कि ये केरल राज्य में विस्तृत है, तो वहीं कहीं से ये निकलती है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी से पेरियार नदी। पेरियार नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वहां
साइलेंट वैली, इसकी जो घाटी है उसको क्या कहते हैं, साइलेंट वैली, शांत घाटी, याद रखेंगे शांत घाटी अथवा अंग्रेजी में साइलेंट घाटी, ये जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है इसकी घाटी को, पेरियार नदी की घाटी को। अब हम देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों में स्थापित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। पहली परियोजना हम देखते हैं जमुना लाल बजाज सागर परियोजना। जमुना लाल बजाज सागर परियोजना, ये परियोजना है माही नदी पर, यह है माही नदी, माही नदी में है गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में जमुना लाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर। अगली परियोजना हम देखते हैं इंदिरा गांधी सागर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ये परियोजना है नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश राज्य में, नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश राज्य में है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। अगली परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना जिसका उद्घाटन जो है अभी कुछ समय पहले ही हुआ। सरदार सरोवर परियोजना काफी मतलब चर्चे में रहा है ये परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये कहाँ है, गुजरात राज्य में, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर है गुजरात राज्य में। और ये जो परियोजना है ये चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए इसमें कौन कौन से राज्य हैं, एक तो गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। मतलब कि ये जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, इससे जो है चारों राज्य लाभ उठाएंगे, जो भी मतलब सिंचाई विंचाई का है, जो भी जल विद्युत जो भी इससे होगा, चारों राज्य उससे लाभ प्राप्त करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद अगली परियोजना है काकरापारा परियोजना, काकरापारा परियोजना, ये जो परियोजना है तापी नदी में है, ये है तापी नदी, तापी नदी में है गुजरात राज्य में। उसके बाद अगली परियोजना है इडुकी परियोजना, इडुकी परियोजना ये कहाँ है, पेरियार नदी, पेरियार नदी जो कि केरल में प्रवाहित होती है, तो इडुकी परियोजना भी कहाँ होगी, केरल राज्य में। तो ये था अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और इसी के साथ ही भारत की नदियों का ये सीरीज यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में जो भारत के जो भी महत्वपूर्ण जलप्रपात होंगे, भारत के झील होंगे और जो भारत की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, क्योंकि ये सब भी जो है नदियों से संबंधित है, तो इन सबको भी जो है हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।